नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डेटा हैंडलिंग। ओके, चैप्टर थर्ड, डेटा हैंडलिंग। सो इन डेटा हैंडलिंग वी विल सी व्हाट इज डेटा हैंडलिंग। डेटा मींस होता है हमारा जो नंबर्स जो रहते हैं। वी विल सी इन द क्लास हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इन अनदर वे वी विल सी व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंटों की हाइट कितनी है या उनका वेट कितना है, तो दैट इज द डेटा। ओके, और हैंडलिंग मीन्स होता है उनको हैंडल करना, यानी कि उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सिक्वेंस में रखना। ठीक है, दिस इज द डेटा हैंडलिंग। सो इन डेटा हैंडलिंग वी विल डिस्कस अबाउट द मीन, मोड, मीडियन, रेंज, प्रोबेबिलिटी एंड बार ग्राफ। ओके, so firstly we will discuss about the mean. What is mean? So the most common representative value of group of data is called the mean or arithmetic mean. इसे mean भी कहा जाता है या arithmetic mean. So if you want to find the value of mean, so how can we find? Firstly I will take to the few numbers like as 2, 4, 5 and 10. Okay, these are the four numbers, and if you want to find the mean of these numbers, so for, we will apply the formula of mean. Okay, so what is mean? So mean equals to sum of all observation upon total number of observation Okay, this is the mean. So if you want to find the mean of these numbers, so what you have to do, you have to put these numbers in the place of sum of all observation. Okay, means 2 + 4 + 5 + 10, jitne sare numbers hain we have to sum, sabka kya karna hai, sum karna hai, upon total number of observation. Total number of observation means how many numbers are इन योर क्वेश्चन, कितने नंबर आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, कितने आ रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपके 4 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन मींस 4. ओके, सो आंसर विल बी 10 of 5 15 15 of 4 19 19 और 2 21 upon 4. सो दिस इज द मीन। ओके, इस तरीके से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या हम कोई और एग्जांपल लें मीन के लिए, किस तरीके से देखिए जरा, जैसे कि हम 3 नंबर्स लेते हैं लाइक एज 2, 4, 6। ओके, अब आपको इसका मीन निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, 2 + 4 + 6 क्या लिखेंगे यहां पर, 2 + 4 + 6 अपॉन कितने नंबर है, 1, 2, 3 3 नंबर है, तो यहां पर लिख देंगे 3। अब इसको सम करेंगे, 2 + 4 = 6 आएगा, 6 + 6 = 12 अपॉन 3। ओके, यू विल डिवाइडेड बाय 3 इन 12, तो 3 × 4 = 12। सो यू कैन सी हियर 4 इज द मीन। ओके, मीन यहां पर कितना निकलेगा, 4। ये हो गया मीन को फाइंड करने का मेथड। अब हम देखते हैं मोड किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, मोड में व्हाट इज द मोड, मोड क्या होता है, मोड फाइंड करने के लिए जितने नंबर चल रहे हैं उनमें से जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, दैट इज कॉल्ड द मोड। लाइक एज 2, 3, 5, 2, 2, 7, 9, 2, दिस इज द एग्जांपल। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या नंबर है हमारे, 2, 3, 5, 2, 2, 7, 9, 2। ओके, अब इसमें ये देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है, विच नंबर इज द, ऐसा कौन सा नंबर है जिस जो सबसे ज्यादा बार आपका रिपीट हो रहा है, तो यू कैन सी हियर 2 जो है, 2 इज द रिपीट ऑफ 4 टाइम्स, 2 जो है वो आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो यू कैन राइट मोड इज 2, मोड जो होगा वो आपका हो जाएगा 2। ओके, क्लियर है, ये आपका हो गया मोड। नाउ
नेक्स्ट इज व्हाट मीडियम. मीडियम क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. जैसे कि आपने कुछ नंबर्स दिए गए 2, 4, 5, 9, 7 ओके. तो इफ यू वांट टू फाइंड द मीडियन, सो फर्स्टली यू हैव टू ऑल द नंबर्स कन्वर्ट इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सारे नंबर्स को या तो हम असेंडिंग में लिखेंगे या फिर हम डिसेंडिंग में लिखेंगे. तो चलिए इसको हम असेंडिंग में लिख देते हैं, यानी कि 2, 4, 5, 7, 9 ठीक है. ये हमने इसको असेंडिंग में कन्वर्ट कर दिया. आप देखेंगे यहाँ पर कि इन सारे नंबर्स में से जो मिडिल नंबर है, सबसे जो बीच का नंबर है वो क्या है. तो आप देख सकते हैं 5 इज द मिडिल नंबर. तो यू कैन से मीडियन इज द 5. आप कह सकते हैं कि मीडियन यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा. मीडियन क्या है यहाँ पर, 5. ये आपका हो गया मीडियन. ओके, नेक्स्ट इज रेंज. रेंज क्या होती है? रेंज में क्या करना रहता है, 1, 3 जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ओके. तो रेंज फाइंड करने का मेथड क्या होता है, सबसे जो बड़ा नंबर होता है, सबसे ग्रेटर नंबर में से हम सबसे स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं. ओके, सो रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर. ओके, ये होती है आपका रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला. तो हाईएस्ट नंबर इन सारे डेटा में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है आपका, 9. सो यू विल राइट हियर 9 इज द हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1. ये आ गया आपका 1. तो 9 माइनस 1 कितना आएगा, 8 इज द रेंज. ओके, इस तरीके से आप रेंज फाइंड करेंगे. नाउ प्रोबेबिलिटी एंड बायग्राफ. In the next video, we will discuss about the probability and bar graph. Okay? I hope this is clear. Mean, mode, median, range. Okay? Thank you.